सारे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रही है, क्या देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से? क्या है क्वेश्चन नंबर एक? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखकर इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो आपके चार ऑप्शन राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर, यानी राजगृह में हुआ था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, तो आपके पास चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में अगर जानते हैं तो इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी महावीर जो है जैन धर्म के चौथवें, यानी सॉरी अंतिम तीर्थकर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग। आप सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सांची का स्तूप कहाँ है? तो तीन नंबर का बी नंबर, यानी मध्य प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्या है वैदिक काल की अवधि क्या है? वैदिक काल की अवधि क्या है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार नंबर का आपके चार ऑप्शन है तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर, यानी ए नंबर, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब पांच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है पांच नंबर, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो आपके चार ऑप्शन है तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? छः नंबर का राइट आंसर, सॉरी पाँच नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 18। ठीक है, 18 पर्वों की चर्चा है महाभारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुके हैं स्क्रीन पे, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखकर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? छः नंबर का ए नंबर, यानी बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई, अच्छी तरीके से तैयारी हो, तो आपको मैं PDF के रूप में 500 क्वेश्चन, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वो लॉन्च हो जाएगी, यानी 400 से 500 ऑब्जेक्टिव, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम देने में, और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका लॉन्च जो है 3 से 4 दिन में लॉन्च हो जाएगा। जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को जो है अच्छी तरीके से नंबर दे दूंगा, और उसमें आप मुझे PDF लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज मैं नंबर नहीं दूंगा, जिस दिन लॉन्च करूंगा उस दिन मैं नंबर दे दूंगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? तो आपके चार ऑप्शन है, राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट, सॉरी बी नंबर राइट आंसर, यानी तीसरा, अशोक के कौन सा बौद्ध संगीति हुई? तो तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे आप लोग क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 8 नंबर का डी नंबर, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग क्या है, अग्रहार किया था? अग्रहार किया था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी भूमिदान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी हड़प्पा का सबसे पहले खोज हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्या है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महापद की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे 11 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी चंपा, राइट आंसर चंपा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। तो क्या है, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। साथ है 13वां क्वेश्चन क्या है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो प्रियदर्शी किसका नाम है अभिलेख में? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर राइट आंसर, अशोक। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं देख पा रहे आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 14 नंबर का बी नंबर, यानी अकबर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है?
तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, शाहदरा यानी लाहौर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी गुरु तेग बहादुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या है, अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर नीचे थोड़ा सा मैं स्किप करके दिखा देता हूं, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर, 17 नंबर का ए नंबर यानी अमरकोट राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी शाहजहां ने कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पाएंगे आप लोग, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 19 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, निम्नलिखित में किस संत को महबूबे इलाही कहा जाता है, किस संत को महबूबे इलाही कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो 20 नंबर का राइट आंसर, यानी निजामुद्दीन औलिया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर की बात करेंगे 21 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 1425 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में किसके उपशाख थे। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 22 नंबर का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर, यानी राम। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पा रहे आप लोग, अमुक्त माल्यद नामक कीर्ति किस भाषा में है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी तेलुगु में है, राइट आंसर तेलुगु, ए नंबर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है, देख पा रहे आप लोग, नगलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी कृष्णदेव राय, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, क्या है, सी यू की किसकी यात्रा वृतांत है। ठीक है, सी यू की किसकी यात्रा वृतांत है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी ह्वेनसांग राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, है 26 नंबर में इंडिका किसकी रचना है। तो 26 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर, यानी मेघ अस्तनीज का रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, किसका ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो 27 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, यानी 1773 ईस्वी में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, तो क्या है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किए। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी बैंटिक ने किया था, सॉरी 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, सॉरी 28 नंबर का ए नंबर, यानी कॉर्नवालिस ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी लॉर्ड कैनिन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं 30 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, क्या है, 1857 की ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसने अपना नेता चुना। तो किसे अपना नेता चुना, तो राइट आंसर की बात करें 30 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके 31 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 32 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी 1853 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, 33 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग। भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बनाया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 नंबर का, बी नंबर राइट आंसर यानी शिमला, राइट आंसर शिमला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आसान से क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा 34 नंबर का, बी नंबर राइट आंसर यानी 1906 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 नंबर का, ए नंबर राइट आंसर यानी 1920 राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पाएंगे लोग, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 नंबर का, ए नंबर राइट आंसर यानी 1932 ईस्वी में हुआ था। अब 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 37 नंबर का, ए नंबर राइट आंसर यानी 1919 को हुआ था, 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था यानी व्यवसाय कौन था? तो राइट आंसर की बात करें तो 39 नंबर का लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र मांग कब की? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा 39 नंबर का, डी नंबर राइट आंसर यानी 1940 को किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख भी पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी ए नंबर राइट आंसर यानी क्लेमेंट इटली राइट आंसर। चलते पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन चार आपके पास चार दिया हुआ, तो इसका जो सही जो ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो मिले थे। चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन चार आपके पास दिया हुआ, तो इसको जो सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग। यहाँ पे कांस्य युग बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो इसका चार सही ऑप्शन जो होगा जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगान स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग चौथा क्वेश्चन है, वो कि सिंधु घाटी निवासी को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सही की ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। जी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, वो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त या फिर स्कंदगुप्त या फिर अशोक। तो यहाँ पे जो संस्थापक जो था वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का छठा क्वेश्चन है, वो है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो जैसे कि आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवें क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो ये रिपीट क्वेश्चन ज़्यादातर हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ, और आठवां क्वेश्चन है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि नौवां क्वेश्चन है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र कहा जाता है भीष्म को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भीष्म राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि दसवां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ 10 दिन, 18 दिन, 10 महीने या फिर 18 महीने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 दिन। लाइव टेस्ट में बहुत लोग 18 महीने बता रहे थे, तो आप लोग महीने और दिन में कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर दिन दिया हुआ है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन चार दिया हुआ आपके पास, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलग्राम। कुंडलग्राम सही होगा यहाँ पे, तो लुम्बिनी नहीं होगा, महावीर का जो जन्म स्थान वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलग्राम। और चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ जो कि 12वां क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है और पता ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा यानी बौद्ध धर्म है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म है। और उसके बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो है हम लोग का, बादशाह नामा किसने लिखा था। तो कौन से शासक ने बादशाह नामा किसने लिखा था, तो उसके जो सही जो ऑप्शन की बात करें तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, कुछ लोग अबुल फजल बता रहे थे, तो अबुल फजल यहाँ पे नहीं होगा, अबुल फजल लिखा था अकबरनामा, यहाँ पे बादशाह नामा दिया हुआ, तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। तो बादशाह नामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन चार दिया आपके पास, 1509, 1526 या फिर 1556 या फिर 1561। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1526। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 16 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राट का महानतम शासक कौन था। तो महानतम जो शासक था वो था कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 17 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे, कौन से वंश के थे हरिहर और बुक्का। तो इसका सही ऑप्शन की बात करें तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी संगम वंश। किस वंश के थे, तो संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो इसका जो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी आया था विजयनगर की यात्रा पर सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अजमेर। अजमेर यहाँ पे राइट हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो नानक का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। चार ऑप्शन आपके पास है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या फिर रामानंद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कबीर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, और है किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। चार ऑप्शन आपके पास है, अलबरूनी, अबुल फजल, उसके बाद है इब्न बतूता या फिर बर्नियर। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न बतूता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। चार ऑप्शन आपके पास है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मोरक्को। किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। चार ऑप्शन है आपके पास, गुलबदन बेगम, फैजी या फिर अबुल फजल या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी। तो सही ऑप्शन बात करें तो हो जाएगा गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो था आपका 1831, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, 1831। याद रखिएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 में। उसके बाद अगला है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसके नेता थे सिद्ध और कन्हू। कौन थे, सिद्ध और कन्हू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है, अस्थाई बंदोबस्त कानून वाले इसने कब लागू किया था।
अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 1793 को कब लागू किया था, तो 1793 को क्या लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, फ्रांसिसी बुकानेन कौन था, चार ऑप्शन आपके पास, यात्री, चिकित्सक, इतिहासकार या फिर क्रांतिकारी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सक। कौन था फ्रांसिस बुकानेन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, वो है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। ऑप्शन आपके पास चार, 1913, 1857, 1875 या फिर 1893। सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1875। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो 1875 यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 32वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काशी, जो कि पड़ता है वाराणसी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी काशी आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, और है 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बात करें सही तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, ये नंबर हो सकता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह भी थे, तो ये शायद आपको जगदीशपुर से मिले होंगे, जगदीशपुर से, तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब तक के लिए ए मार दीजिए, पीर अली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, और है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, तो सही जो ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कैनिंग। कौन था, तो कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह में समय था वो हो जाएगा कैनिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन हम लोग का, वास्को डिगामा भारत कब आया। चार ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन की बात करें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मई 1498 को। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्च दिया हुआ, यहाँ पे मई, तो ऑप्शन याद रखेंगे मई 1498 राइट हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि 36वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। आसान सा क्वेश्चन है, और इसकी सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 1853 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। अगला क्वेश्चन है गांधी चंपारण कब गए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1917। अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है, खेड़ा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो ऑप्शन ए सबसे डी सही हो सकता है, लेकिन अगर पूरे बात करें इसमें जो खेड़ा कहाँ पे असल में है, तो वो जाएगा आपका पंजाब में, पंजाब के पड़ता है छोटे से कस्बा जहाँ पे खेड़ा स्थित है। लेकिन यहाँ पे अगर सर्च कीजिएगा आप तो बिहार में भी एक खेड़ा जगह का नाम भी मिलता है, और यहाँ पे उड़ीसा में थोड़ा खेड़ा से मिलता है। तो अगर असल में बात करें तो यहाँ पे जब तक गुजरात आप लोग मान लीजिए, लेकिन असल में रियल में जो है पंजाब में है, जो प्रचलित खेड़ा है नाम से, तो वो पंजाब में है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 या फिर 13 मई 1919, 13 जून 1919 या 13 जुलाई 1919। तो सही ऑप्शन बात करें तो ये देखा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1927 कब हुई थी, तो 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है, सर की उपाधि किसने वापस की। चार ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने वापस की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, और है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है शायद आप लोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, और है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास, और इसमें कई लोग हमें गलत आंसर बता रहे थे इसमें लाइव टेस्ट में, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1942, और ये लास्ट आंदोलन था, तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और अगली बात करते हैं जो कि हम लोग का है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 को। कब हुई थी, तो 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो बात करें तो हो जाएगा सी यानी 1946 को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलते 46वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के परिणाम है? चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी माउंट बेटन योजना। किस योजना पर आधारित है? तो माउंट बेटन योजना यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बात करें तो सही हो जाएगा सी, यानी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन और खत्म होने जा रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1950, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1950 है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, बता रहे थे ये नहीं होगा, 26 जनवरी को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो हड़प्पा में सबसे पहली जो स्थल खोज थी वो हड़प्पा ही थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी है, क्योंकि हड़प्पा सब बताए, क्योंकि पहली जो खोज हड़प्पा हुई थी जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। तो इस पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा में लिपि में जो है लगभग जो है वो 400 चिन्ह है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे कि जूते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? यहाँ पे चार मतलब हड़प्पा स्थल के नाम दिए हुए हैं, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काली बंगाल से मिला है। कहाँ से हो जाएगा? तो काली बंगाल जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे, चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजरोहण हुआ था वो हुआ था यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 321 ईस्वी में। कब हो जाएगा? तो 321 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व का मतलब ईस्वी से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं पाँचवा कि अरबों ने सिंध विजय कब किया? अरबों ने सिंध जो अरबों के साथ जो सिंध विजय हुआ, सिंध के साथ जो लड़ाई हुआ था, तो वो विजय कब प्राप्त हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर छठा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो पता हो सभी को मौर्य वंश का जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहे, ऋग्वेद का काल क्या है? तो ऋग्वेद का जो काल है वो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। सात तक होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? तो स्वर्ण युग जो संबंधित है वो है गुप्त काल से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, गुप्त काल से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? पार्श्वनाथ। 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 12 की हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान इन सब का संबंध जो है वो है बौद्ध धर्म से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था वो हुआ था 327 से 325 ईसा पूर्व में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे, गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 41 अंगुल या 33 इंच। 41 अंगुल जिसको कहते हैं नापा हुआ, या फिर उसको इंच में बोलेंगे तो 33 इंच। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था, यानी जो भूमि लगाया जाता था उसका कितना भाग अकबर के काल में लिया जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औसत पैदावार का 1/3 भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे, निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जलाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जलाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे कि पुस्तक मुंतखब उल लोबाब किसकी रचना है?
तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी खाफी खां क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देख पा रहे होंगे, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में, कब हुआ था 1556 ईस्वी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे कि हिमायूं का अर्थ क्या होता है, तो हिमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, फर्नाओ न्यूनिज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अच्युत्य देवराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ तारीख फरिश्ता लिखी है, ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोहम्मद कासिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे, अब्दुल रजाक किस देश का यात्री था, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रावी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में देख पा रहे होंगे कि कबीरदास जी का संबंध किस जाति से था, कबीरदास जी का संबंध किस जाति से था, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो 24 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा यानी जूला। अगला क्वेश्चन 25 देख पा रहे होंगे, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो 25 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे होंगे, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरबी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 में देख पा रहे होंगे, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, तो दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कैप्टन मुनरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे, नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था, तो ये जो था अवध का नवाब था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, कहाँ का था, तो अवध का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देख पा रहे होंगे, बैर कपूर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया, बैर कपूर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो 30 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल पांडे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कुंवर सिंह, बिहार से जो किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे, बट यहाँ पे जितना जो नाम है सभी 1857 के क्रांति में नेतृत्व था, लेकिन बिहार का जो था वो वीर कुंवर सिंह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देख पा रहे होंगे, 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो थे बंगाल का गवर्नर वो था रॉलेट क्लाइव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है, तो भारत में नियमित जो जनगणना थी वो 10 वर्षों पर होती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था, भारत में जो डाक टिकट था वो किस गवर्नर जनरल ने चलाया था, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी लॉर्ड मिंटो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1920 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका से भारत लौटे थे वो होते 1915 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1915 ईस्वी। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 ईस्वी को, कब हुआ था, तो 1929 यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी
बी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1915 को भी कब हुई थी तो 1915। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 तक पाओगे, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। सो पता होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, यानी बोधगया में, कहाँ हुआ था तो बोधगया। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। आपने आप वीडियो को देखा है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। निर्गम का अर्थ क्या है इसका आंसर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे, पणिनि की अध्याय रचित। इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, यानी 500 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम जो किया था वो किया था अकबर ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा ए हो जाएगा, अकबर ने। उसी तरह सेम क्वेश्चन पर इसका उपरी था कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाने वाला था वो जहांगीर था, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा, सेवन करने वाला अकबर और प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे, शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है अजमेर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था, तो इसका जो विकास सर्वाधिक हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख पा रहे, यहाँ पे आलमगीर होगा और छूट गया है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे कि अमुक्त माल्याद किसने लिखी, तो अमुक्त माल्याद जो लिखी थी वो कृष्ण देव राय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, तो यहाँ पे राइट आंसर ए एवं ब दोनों हो जाएगा, ए एवं ब, निकोलो कोंटी और अफनासी निकितन। मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो इसकी कोई खोज जो की थी वो राखल दास बनर्जी की थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में कौन की थी, तो राखल दास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोग जो से लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले तो आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंध भाषा का शब्द है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगान में मिला था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगान। क्वेश्चन नंबर 5 देख पाएंगे समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसकी जो तुलना की जाती है ये नेपोलियन से की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो जो कराई थी रुद्र दमन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, रुद्र दमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी नदी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के संगम पर, गंगा सोन और पुनपुन। क्वेश्चन 8 देख पाएंगे इंडिका के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख पाएंगे अशोक किस वंश का शासक था, तो आसान से क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को, ये मौर्य वंश का शासक था, जो कि इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी थी वो इनमें से सभी की पत्नी थी, अर्जुन भीम नकुल द्रौपदी जो है 5 के पति थे, 5 यहाँ पे जो दिया पांडव जो दिए थे पांडव लोग, तो उसमें से 5 लोग के पति थे, यानी यहाँ पे 3 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी की। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहा हूँ अभिमन्यु किसका पुत्र था, अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा, क्वेश्चन है 12 कि महाभारत के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वह वेद व्यास, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, वेद व्यास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक बोधि वृक्ष थे जिसके नीचे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, अकबर नामा के लेखक कौन है। तो अकबर नामा के जो लेखक है वो है अबुल फजल है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाने वाला था शासक वो था जहांगीर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो इसका जो निर्माण आरंभ किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका समाप्त जो किया था वो किया था अल्तुतमिस इसको पूरा बना के समाप्त किया था, लेकिन शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का जो भाई था, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तो तुजुक ए बाबरी जो के लेखक जो थे वो थे बाबर, यानी खुद थे, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, तो बाबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो संबंधित है वो है अकबर से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, अकबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी को हुई थी, जिसके संस्थापक जो थे हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। सो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो है हम्पी में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो विजयनगर के साम्राज्य जो है वो अपने आप को राय कहते थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, विजयनगर के शासक जो है अपने आप को राय कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 25 में देख पा रहे होंगे कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को जो अपना पति मानती थी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे होंगे, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीरदास एवं धन्य एवं पीपा, ये सभी थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो सबको पता होगा दिल्ली में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मोरक्को। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन 29वां, किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो किताबुर रेहला में जो है वो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 का राइट होगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी को हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 32वां, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका जो नेता था वो था सिंधु एवं कन्हू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सिद्धू एवं कन्हू। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया। तो महलवाड़ी बंदोबस्त को जो लागू करने वाले थे वो थे मार्टिन वर्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, मार्टिन वर्ड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था। तो उलगुलाल विद्रोह का नेता जो था वो था बिरसा मुंडा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, दमिन एकू क्या था। तो ये जो था एक भूभाग था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, भूभाग। दमिन एकू क्या था, तो भूभाग राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। बिहार के जो थे 1857 तो थे वीर कुंवर सिंह, बट यहाँ पे वीर कुंवर सिंह नहीं दिया हुआ है, और 1857 के इन लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ था किसी का। सो यहाँ पे राइट आंसर की जगह डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो उसको यहाँ पे छबीली, मनु, उसके बाद मणिकर्णिका, ये सभी नामों से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 37 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन इसका आंसर सही दिए हैं, अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे, 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो ये जो आरंभ जो हुई थी वो हुई थी 10 मई को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 10 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किला का नाम था वो था फोर्ट विलियम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, वो हुई थी 1911 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे होंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, वास्को द गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को द गामा जब भारत जब पहुंचा था, असल जो रियल टाइम कुछ बताएं तो यहाँ पे जो था 20 मई 1498 को पहुंचा था, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आपका 17 मई 1498 दिया है, तो आप यहाँ पे 17 मई लगा सकते हैं, लेकिन सभी जगह जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमेशा सभी जगह 20 मई, सो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, सो इसमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 20 मई असल है, तो आप लोग डी भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि, तो यहाँ पे आप लोग डी लगा दीजिए, क्योंकि 20 मई को हुआ था, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया, तो इस हिसाब से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा, क्वेश्चन नंबर 45 हुआ कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसमें इसकी जो